यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जो विधानसभा में एसटीडी का मुद्दा जो विधायक जी के द्वारा उठाया गया, संदीप सौरभ जो विधायक जी हैं उन्होंने कहा भी था कि भाई मैं एसटीडी का मुद्दा ज़रूर उठाऊंगा। इस मुद्दे पे क्या कुछ बात हुई है वो भी हम ज़रा विस्तार से जानेंगे और समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर श्री संदीप सौरभ माननीय विधायक द्वारा दिनांक 27/7/2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या, तो कुछ तारांकित प्रश्न शिक्षा मंत्री से पूछा गया था, क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे। श्री संदीप सौरभ माननीय विधायक द्वारा दिनांक 27/7/2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या दे सकते हैं। यह लिखा है, क्या यह बात सही है कि एसटीटी 2019 के विज्ञापन के अनुसार कुल 37,000 रिक्तियों के विरुद्ध उतने ही अभ्यर्थियों की विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची जारी कर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी तथा 12 मार्च 2021 के परिणाम में 24,500 अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड घोषित कर उन सबकी नौकरी पक्की समझी जाएगी, बात सरकार द्वारा कही गई थी। अब देखिए उत्तर क्या दिया है। वस्तु स्थिति यह है कि एसटीटी 2019 के आयोजन के संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 एवं PR 289/2019 द्वारा 15 विषयों के लिए कुल 37,440 रिक्ति विज्ञापित है। संदर्भित विज्ञापनों में यह उल्लेख नहीं था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, लगातार वाद विवाद चला है ये लंबा और शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, क्या यह बात सही है कि 21 जून 2021 को जारी 24,599 अभ्यर्थियों की मेधा सूची में गड़बड़ी हुई तथा सरकार नियुक्ति के बजाय नियोजन की बात करने लगा। तो देख सकते हैं लिखा है, दिनांक 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया जिसमें 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाइड घोषित हुए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हेर फेर जो है वो किया जा रहा है। और देखिए और क्या पूछा गया यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पहले से स्वीकृत अन्य पदों को जोड़कर सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थी को नियोजन के बजाय नियुक्ति देने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि दिनांक 21/6/2021 को शेष 3 विषय के परीक्षा फल के साथ सभी 15 विषयों की मेधा सूची प्रकाशित की गई। इस परीक्षा फल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर क्वालिफाइड घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्वालिफाइड घोषित सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा मंत्री का जवाब आया है। शिक्षा मंत्री ने ये जवाब दिए हैं माननीय विधायक संदीप सौरभ के द्वारा जो भी पूछा गया था कि एसटीटी को लेकर शिक्षा मंत्री का जवाब आ गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि कब तक ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो है संपन्न कराई जाए, क्योंकि प्रधान सचिव ने जिस प्रकार से ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी और जब अभ्यर्थी मिलने गए थे तो प्रधान सचिव का यह कहना भी था कि अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बड़ी खुशखबरी उन्हें देखने को मिलेगी। तो अब देखना ये होगा कि दोस्तों, अगस्त का प्रथम सप्ताह आने ही वाला है तो अब हमें ये देखना होगा कि कितनी खुशखबरी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे नीचे देखिए लिखा है, शिक्षा विभाग बिहार पटना दिनांक, यहाँ लिखा है संसदीय कार्य विभाग बिहार पटना प्रशाखा प्राधिकारी प्रशाखा 1 शिक्षा विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु। यहाँ देखिए लिखा है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर शिक्षक 2019 के द्वितीय चरण का काउंसलिंग प्रतिवेदन। अब हम देख लेंगे थोड़ा काउंसलिंग के लिए जो है कहाँ कहाँ पे अब काउंसलिंग होगी, उसका प्रतिवेदन भी जारी कर दिया गया है।
काउंसलिंग की तिथि दे सकते हैं 2/8/21 और 4/8/21 तो दे सकते हैं नगर परिषद कांटी। और किस किस जगह पे ये काउंसलिंग होगी, दो जगह की अपडेट दिया गया है काउंसलिंग से संबंधित, तो वो आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके जरा एसटीटी संबंधित देख सकते। देखिए यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है एसटीटी संबंधित, तो माध्यमिक वर्ग के लिए निम्नलिखित विषय में सरकारी वेतनमान के अनुरूप रिक्त पदों पर शिक्षक की आवश्यकता है। आप यह रसायन शास्त्र हो गया, हिंदी संस्कृत हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, इंग्लिश हो गया, शारीरिक शिक्षक हो गया। शैक्षणिक योग्यता देखिए स्नातक एवं बीएड के साथ ही एसटीटी राज्य के सरकारी निर्देशानुसार शैक्षणिक योग्यताएँ ही मान्य होगी। इसमें कोई आपका मेरिट नॉट मेरिट का कोई भी झंझट नहीं है। अगर आपने एसटीटी क्वालिफाइड किया है तो आप, अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि भाई अभ्यर्थी काफ़ी परेशान रहते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं भी कोई जॉब निकलती है तो आप वहाँ पर अप्लाई करके फिलहाल अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एसटीटी 2019 के अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी बात है कि अगर आपने क्वालिफाइड किया है दोस्तों, तो एक बार आप ज़रूर यहाँ पे जाके आवेदन कर ले, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो प्लस टू क्वासिमी हाई स्कूल है ये, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा ही ये चलता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है गया में है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं बीएड के साथ एसटीटी होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ योग्यता एवं उर्दू की जानकारी रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी, ये बात भी कही जा रही है। अब देखिए लिखा है स्नातक एवं बीएड के साथ एसटीटी राज्य के सरकारी निर्देशानुसार शैक्षणिक योग्यताएँ ही मान्य होगी। सर्वश्रेष्ठ योग्यता एवं उर्दू की जानकारी रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगी। आवेदन पहुंचने का अंतिम तिथि देखिए लिखा है 30/8/21 निर्धारित डाक के द्वारा ही आवेदन स्वीकार होगा। तो आप इसके लिए अगर आवेदन करने को दोस्तों इच्छुक हैं तो एक बार ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना। ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। और देखिए लिखा है सभी विषय के साक्षात्कारात्मक की सूचना डाक या मोबाइल से दी जाएगी। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आवेदन भेजने का पता है सचिव प्लस टू कासिमी उच्च विद्यालय हरिदास हटर्जी लेन दुर्गा बाकी गया, ये दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। दूसरी मैं बड़ी खुशखबरी आपको दे दूँ कि 8000 से अधिक पद किए जा रहे हैं सृजित, यानी कि सीटें जो हैं बढ़ रही। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों सीटें बढ़ाने के फेर में शिक्षा विभाग और जितने उत्क्रमित विद्यालय हैं वो आप लोगों के सामने छिपे नहीं हैं कि उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या जो है बढ़ाई गई है। राज्य के 8386 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में एक एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशकों की नियुक्ति के लिए पदों का सृजन किया जा रहा है। विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पद सृजित करने के बाद नियोजन की कार्रवाई पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत गठित नियोजन समिति के द्वारा की जाएगी। शिक्षा अधिनियम 2009 और इस आलोक में अधिसूचित बिहार पंचायत और नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियमावली के तहत जहां 100 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं वहाँ शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशकों के नियोजन को कार्रवाई की जानी है। इस पर नियुक्ति के लिए योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि सारी शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहे हैं। इस संदर्भ में हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। फिलहाल अभ्यर्थियों की आस को शिक्षा विभाग एक बार फिर जगाने लगा है। और तीसरी खबर मैं आपको पहुँचा दूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ अच्छे अधिकारियों का तबादला हुआ है। जैसे आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर अरिजीत कुमार जी हो गए और गिरिवर दयाल हो गए, संजय कुमार सिंह हो गए। तो ये ऐसे लोग थे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी हैं उनकी बातों को सुनना, उनका जवाब देना। और जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा निदेशक की बात करें तो कई कह सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो फर्जीवाड़ा को रोकने में भी सहायता मिली है। तो इसके मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि भाई विभाग के कुछ ऐसे अधिकारियों का विभाग में होना अति आवश्यक था, लेकिन इनका तबादला करके कुछ जगहों पे इन्हें अलग अलग कार्यभार इन्हें दे दिया गया है।
संजय कुमार सिंह अगले आदेश तक कार्यपालक निदेशक। तो अगर आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा तो जिन जिसका तबादला हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों, उनके लिए ये अपडेट आई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।